एक बार फिर मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 50 खबरें आपको हमने दिखाई, लेकिन आइए अब बात करते हैं तफसील से खबरों की। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन चुनावी हिंसा को लेकर बंगाल में डर फिर से सही साबित हुआ, क्योंकि कई जगहों से हिंसा, मारपीट और आगजनी की खबरें आ रही हैं। दक्षिण परगना में घर में आग लगाने से सीपीएम नेता और उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो वहीं कूचबिहार में बम फटने की खबर सामने आई है। जलपाईगुड़ी में बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया गया, तो 621 जिला परिषद जहां पर 6000 पंचायत और 31000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी वोटिंग मतदान के बीच तस्वीरें ये भी हैं जहां पर हिंसा से लेकर आगजनी तक की खबरें सामने आ रही हैं। सीपीएम ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप भी लगाया है, जहां पर देसी बम फटने की खबर है, तो वहीं सीपीएम के नेता और उनकी पत्नी पर भी हमले की खबर है। जलपाईगुड़ी के पोलिंग बूथ में मतपेटी को ही आग के हवाले कर दिया गया, जो ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। आसनसोल, कूचबिहार, ये वो तमाम हिस्से पश्चिम बंगाल के जो ज्यादा प्रभावित है। इससे पहले ही लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण 24 परगना की, हिंसा की घटना यहां पर भी दर्ज की गई। आशंका इसकी पहले से थी कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लिहाजा सुरक्षा को लेकर व्यवस्था भी की गई, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये अपने आप में सुर्खियां तो बटोर ही रही हैं, लेकिन प्रशासन के दावों पर भी सवाल सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए हैं जिसमें सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है, हमले के को लेकर ये खबरें आ रही हैं, तो बेहद चिंताजनक ये हालात अपने आप में, और सरकार पर यकीनन सवाल यहां खड़े होते हुए। आसनसोल से हमने तस्वीर आपको दिखाई, जलपाईगुड़ी से, दक्षिण 24 परगना से, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कूचबिहार से, जहां पर आपसी झड़प की बात सामने आई और इसमें कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को फौरन अस्पताल में मदद दी जाए, उसके प्रयास यहां पर बाकी जो लोग वहां मौजूद थे, स्थानीय लोग, वो करते हुए। कूचबिहार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से, जहां पर हिंसा, आगजनी, मारपीट तक की खबरें सामने आई, आरोप सीपीएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। हालांकि सीपीएम का ये कहना है कि उनके नेता पर हमला किया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी, और ऐसे में कार्यकर्ताओं पर इस तरह के आरोप लगना, हिंसा से जुड़ी खबरों में उनका हाथ होना, ये तमाम आरोप लगना, सारे सवाल सुरक्षा को लेकर। हालांकि पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद, लेकिन उसके बावजूद ये मारपीट और झड़प यहां पर होती हुई दिखाई दी। कूचबिहार से जो खबर आ रही है उसमें टीएमसी के मंत्री पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, यानी मारपीट की घटना, और आरोपों के घेरे में सीधे सीधे मंत्री का नाम होना। पंचायत चुनावों के नामांकन से लेकर आज वोटिंग तक का दिन इस तरह से सुर्खियों में गलत वजहों से आ रहा है, ये आपने देखा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। इंद्रजीत, आसार तो ऐसे पहले से ही थे कि इस तरह की हिंसा की घटनाएं हो सकती है, लेकिन मंत्री का नाम आना मारपीट में बेहद चिंताजनक हालात है। बिल्कुल, जिस तरह का आसार थे वही आप सच होने दिख रही है, सच होते हुए दिख रही है, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था पिछले हफ्ते के 34% जो सीट्स है वो तृणमूल कांग्रेस जीत गई है अनकंटेस्टेड, अनअपोज्ड, उनके अलावा जो बाकी 66% है वहीं पे आज चुनाव हो रहे हैं, तो करीबन 50,000 बूथ पे आज इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हर बूथ में 3 सिक्योरिटी पर्सनल को रखा जाएगा, जिसमें से 1 सिक्योरिटी पर्सनल आर्म्ड होगा, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार के पास उतनी फोर्स थी नहीं, और सरकार ने यह कहा था कि कोलकाता पुलिस से कुछ डिप्लॉय किया जाएगा गांव के साइड में, और बाकी राज्यों से भी सिक्योरिटी फोर्स मंगवाई जाएगी, लेकिन जो आशंका जताई जा रही थी कि वो काफ़ी नहीं होगा, और वही सच होते हुए इस वक्त दिख रहा है। और जैसे कि हम दिखा रहे हैं
कि जो मंत्री खुद है रविंद्रनाथ घोष जो पश्चिम बंगाल में उत्तर डेवलपमेंट हम लौटेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।